माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में। मैं आपका दोस्त प्रदीप गौड़ एडवोकेट। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करूंगा। जब पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार करती है और उसको मीडिया के सामने लाती है तो उसका चेहरा क्यों ढक देती है? आपने देखा होगा, जब पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार करती है और उसको मीडिया के सामने लाती है तो उसका चेहरा काले नकाब से या किसी अन्य कपड़े से ढक देती है। जब हम छोटे थे बचपन में तो सोचा करते थे कि एक तो इसने अपराध किया है और ऊपर से पुलिस इसका चेहरा छुपा रही है, इसका चेहरा तो ओपन कर देना चाहिए और सबको दिखाना चाहिए कि इस व्यक्ति ने यह अपराध किया है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसके पीछे रीजन क्या है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी कि घंटी को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है और उसका चेहरा ढक देती है, इसके पीछे दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न तो यह है कि हमारे भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को निर्दोष व मासूम मानती है, जब तक कि उसका अपराध कोर्ट में सिद्ध नहीं हो जाता। जब तक कि आरोपी का आरोप कोर्ट में सिद्ध नहीं हो जाता, इसके पहले वह बेगुनाह, निर्दोष और मासूम ही होता है। अगर गिरफ्तारी के समय पुलिस उसका चेहरा ओपन कर दे तो लोग उसी दिन से उसको गुनाहगार, उसको अपराधी मानना शुरू कर देंगे, जो कि इंसाफ के विरुद्ध है। और दूसरा रीज़न यह है, शिनाख्त। जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसकी शिनाख्त कराई जाती है और शिनाख्त के कुछ नियम और कानून होते हैं। शिनाख्त परेड में मुलजिम की ही कदकाठी के कई लोग साथ में खड़े किए जाते हैं और गवाह को बुलाया जाता है उसको पहचानने के लिए। गवाह से कहा जाता है कि ये पहचानो, इसमें से असल मुलजिम कौन है। तो उस दशा में अगर मीडिया के सामने पुलिस पहले से ही मुलजिम का चेहरा ओपन कर दे तो गवाह तुरंत ही पहचान लेगा और मामला एक तरफा हो जाएगा, शिनाख्त का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, पहचान परेड के कुछ नियम और कानून होते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। अगर पहचान परेड में कोई कोताही बरती जाती है तो मुलजिम का वकील न्यायालय में इसको एक मजबूत आधार बना लेगा और कहेगा पहचान परेड सही से नहीं हुई है और इसको इनवैलिड किया जाए। सो फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई चोरी, डकैती, लूट, चैन स्नैचिंग आदि गंभीर घटना हुई है और मुलजिम भाग गए हैं तो वहाँ पे एफआईआर तो दर्ज होगी क्योंकि गंभीर घटना घटित हुई है। लेकिन क्वेश्चन यह उठता है कि एफआईआर किसके विरुद्ध दर्ज होगी, क्योंकि मुलजिम तो भाग गए हैं। वहाँ पर एफआईआर अज्ञात के विरुद्ध दर्ज होगी और जब आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा तो उस दशा में पुलिस गवाह को या वादी मुकदमा को, जिसने मुकदमा दर्ज कराया है, उसको बुलाएगी और पहचान परेड कराएगी। पहचान परेड में मुलजिम के ही कदकाठी के कई लोग खड़े किए जाएंगे और गवाह से पूछा जाएगा कि इसमें से पहचानो कौन मुलजिम है जिसने आपके साथ घटना घटित की थी। वहाँ पर मुलजिम के द्वारा पहचाना जाता है। अगर इस दशा में पहले ही मीडिया के सामने उसका चेहरा पुलिस ओपन कर दे तो गवाह तुरंत ही पहचान लेगा और मामला एकतरफा हो जाएगा, शिनाख्त का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या कानून से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल प्रदीप लीगल हेल्प को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।